नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण टोटके या यूं कहें नुस्खे को लेकर के, जो आपके लिए कारगर और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है दोस्तों। अभी का जो मौसम चल रहा है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा लोग इससे त्रस्त रहते हैं। हमने सोचा हम इसके बारे में आपको आज बताएं। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए घरेलू प्रयोग दोस्तों, जी हाँ सही सुना आपने, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय। प्लेटलेट्स हमारे खून का वह महत्वपूर्ण भाग है जो खून का थक्का बनने में मदद करती है। ये लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं दोनों से ही छोटी होती हैं। प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं। जब भी हमारे शरीर में कहीं चोट लगने से या अन्य किसी कारण से रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स आप में जुड़कर खून निकलने की जगह को ब्लॉक करके खून का थक्का बनने की प्रक्रिया को शुरू करवाते हैं दोस्तों। सामान्य प्लेटलेट्स की संख्या, खून में प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है, यानी कि 1.5 लाख से कम हो जाती है तो उसके प्लेटलेट्स का कम होना मान लिया जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या का पता लेबोरेटरी में रक्त की जांच के द्वारा हो जाता है। प्लेटलेट्स किस कारण से कम होते हैं? रक्त में प्लेटलेट्स कम होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण कम हो रहा है, रक्त में आने के बाद प्लेटलेट्स अपने आप नष्ट हो जा रहा है, प्लेटलेट्स लीवर अथवा प्लीहा में जाकर नष्ट हो जा रहा है। बनने के बाद प्लेटलेट्स क्यों नष्ट हो रही है, इसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। अब कुछ दवाएं, शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र का सही काम न करना मुख्य वजह हो सकते हैं दोस्तों। कुछ दवाएं, शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र का सही काम न करना, या खास प्रकार का कैंसर या गुर्दों से संबंधित कोई रोग, एल्कोहल का अधिक सेवन इत्यादि। प्राकृतिक रूप से प्लेटलेट्स बढ़ाने के घरेलू प्रयोग, पपीते की पत्तियों का रस, जी हाँ दोस्तों, पपीते की पत्तियों के रस का प्रयोग प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। पपीते की पत्तियों का रस तैयार करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पपीते की 4-5 ताजी पत्तियां लेकर उनको ताजे पानी में अच्छी तरह से धोकर सिलबट्टे अथवा मिक्सी में चटनी जैसा बना लें। अब इसको साफ सूती के कपड़े में डालकर पोटली बांधकर इसमें से रस निचोड़ लें और किसी साफ बर्तन में एकत्रित कर लें। यह रस दिन में 2 बार ताजा निकालकर पीना है। गिलोय का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए गिलोय का प्रयोग भी बहुत ही प्रभावकारी होता है। वस्तुतः गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है, अर्थात जो मरती हुई प्लेटलेट्स को पुनः जिंदा कर दे। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए गिलोय का तना प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग की विधि दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लंबे गिलोय के तने के 5 टुकड़े लेकर उनको 2 गिलास ताजे पीने के पानी में रात भर के लिए भिंगो दें। अगले दिन सुबह को इस पानी के अंदर तुलसी के 5 पत्ते और मिलाकर इसको गैस पर रख दें और तब तक उबालें जब तक पानी आधा अर्थात 1 गिलास ही शेष रहे। अब इसको ठंडा होने दें और ठंडा होने पर पी लें। यह प्रयोग रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। गेहूं के ज्वारे का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, गेहूं के ज्वारों का जूस का सेवन करने से प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इस लाभ को उठाने के लिए विधि हम आपको बता रहे हैं। 1 गमले में साफ मिट्टी भरकर उसमें 1/2 मुट्ठी गेहूं अथवा जौ डालकर रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। 6-7 दिनों में ही लगभग 8-10 इंच लंबे ज्वारे उग जाएंगे। इन ज्वारों को नीचे की तरफ से काटकर मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर जूस तैयार कर लीजिए। यह जूस 1 गिलास रोज सुबह पीना चाहिए। यह जूस इतना लाभकारी होता है दोस्तों कि इसको हरा रक्त भी
कहा जाता है। इस जूस को रोज पी सकने के लिए आपको 8-10 गमलों में ज्वारे उगाने चाहिए। रोज एक गमले के ज्वारे काटकर उसमें पुनः आधी मुट्ठी गेहूं अथवा जौ तुरंत दोबारा डाल देने चाहिए, जिससे बाकी गमलों के ज्वारे समाप्त होते होते इस गमले के ज्वारे पुनः तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, तो आज आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से हम अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर के, कुछ नई जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।